टू माई चैनल स्टडी डॉट फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 6 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। UNGA ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करवा दिया है? तो 2023 को वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI 2020 में शीर्ष पर रहा है, तो वो इंदौर है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं किरण पोलार्ड, जो मैंने कल भी बताया था आपको। हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 किसने लिखी को किसको मिला है ये वाला अवार्ड? द हिंदू ग्रुप को, ठीक है ना। हाल ही में जारी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? 83 रही है इंडिया की रैंक। हाल ही में किस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो कौन सी बुक है? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, ठीक है ना। आते नेक्स्ट पे। हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन 2021 में कहाँ किया जा रहा है? तो वो रायपुर में। हाल ही में हुए युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो मेंस में वरुण कपूर ने और वुमेंस में मालविका वसोंड ने। हाल ही में शॉलगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये मिश्र में। हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? त्रिपुरा में। हाल ही में रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया है? तो वो भारत और फिलीपींस के बीच में हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने और रूफटॉप परियोजना के लिए 100 MNs की गारंटी योजना शुरू की है? तो वो वर्ल्ड बैंक ने की है। विश्व का पहले पठारीय अभयारण्य किस देश द्वारा बनाया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। 2021 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो वो 11th एडिशन है, ठीक है ना। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्टेफन लोफवेन। फ्लोरिकल्चर मिशन कितने राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में लागू किया है? तो 21 स्टेट्स में। 5 मार्च 2021 को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो वो DRDO के। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2021 को M8.0 भूकंप के बाद किस राष्ट्र ने सुनामी की चेतावनी जारी की है? तो न्यूजीलैंड ने बताया है, ठीक है ना। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? मयूरभंज जिले में, ठीक है ना। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्रौद्योगिकी APEDA के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर M. Angumathu। मो सेवा केंद्र पहल किस राज्य द्वारा शुरू की है? तो उड़ीसा द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किन राज्यों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? कर्नाटक एंड पंजाब में। किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने 900 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो जेम्स एंडरसन है। तो फ्रेंड्स, यही है आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।